सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। सिंह राशि के जातकों, राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों, आज हम राशिफल में बात करेंगे कि अगस्त 2022 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रह नक्षत्र में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, किस ग्रह की युति किस ग्रह के साथ होगी और इसका आपके कुंडली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके गृहस्थ जीवन, आपके नौकरी व्यापार, आपका करियर, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य कहाँ लाभ का योग बन रहा है, किन अवसरों की आपको प्राप्ति हो सकती है और किस बात में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ में आपको बताएंगे कि अगस्त के महीने में आप किस दिशा से दिन की शुरुआत करें जिससे आपको लाभ होगा और आपके लिए शुभ राशि धातु कौन सा रहेगा अगस्त के महीने में और कौन सा भाग्यशाली रत्न सिंह राशि वालों के लिए रहेगा और कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे जिस दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। साथ में आपका भाग्यशाली नंबर और भाग्यशाली रंग अगस्त के महीने में कौन सा रहने वाला है और कौन सा उपाय अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों आप करें जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में जो विघ्न बाधा चल रही है वह समाप्त हो सके। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले और इस वीडियो को अपने प्रियजनों से ज़रूर शेयर करें। सिंह राशि वालों, अगस्त का महीना बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। ग्रहों की स्थिति कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में कुछ क्षेत्र में लेकर आने वाले हैं तो कहीं आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों, अगस्त के महीने में आप पूर्व दिशा की ओर से दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगस्त के महीने में सूर्य, बुध, मंगल, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में अगस्त के महीने में अलग अलग क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की तो सिंह राशि वालों, आपके राशि में शुक्र का प्रभाव आपके लिए शुभ परिणाम आपके कार्य क्षेत्र में लेकर आ सकता है। आपके अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। वहीं आपके राशि स्वामी सूर्य का प्रभाव आपके नौकरी में आपको सुनहरे अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा और अगस्त के महीने में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव नौकरी करने वाले जातक जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, इच्छुक हैं तो उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। वहीं जो व्यापारी हैं, विदेश से संबंधित तो कोई कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं तो उन्हें उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है, व्यापार में विस्तार होगा, अगस्त के महीने में लाभ का योग बन रहा है। वहीं राहु और शनि का प्रभाव व्यापारियों को लाभ प्रदान करेगा, आमदनी में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। वहीं हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की तो सिंह राशि वालों, आर्थिक जीवन आपका सवरता हुआ नजर आएगा। सिंह राशि वालों, बुध का प्रभाव अगस्त के महीने में आपको लाभ प्रदान करेगा। वहीं सूर्य और शुक्र का प्रभाव सिंह राशि के जातकों को जो व्यापारी हैं आर्थिक लाभ अर्जित करने में आपको सफलता मिलेगी। वहीं अटका हुआ कोई कार्य लंबे समय से जो आप धन के कारण लटका हुआ था वह आपका पूरा होगा, धन अचानक से आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। वहीं कारोबार में धन प्राप्ति का योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव
सिंह राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बना रहे हैं। वहीं कहीं गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं अगर आपने धन निवेश किया हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों, आपके राशि में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बुध और सूर्य की युति होने के कारण सिंह राशि वालों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होता हुआ नजर आएगा। साथ में नौकरी और व्यापार में सफलता का योग बन रहा है। वहीं हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपका पारिवारिक जीवन की बात, तो पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। बुध का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाए रखेगा। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और आपसी संबंध आपके मजबूत होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और अपने परिवारजनों के साथ आप समय व्यतीत करेंगे और किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अगस्त के महीने में ऐसा योग बन रहा है। भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध मधुर रहेगा। वहीं अगर हम प्रेम जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो बृहस्पति का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि सूर्य और बुध का प्रभाव प्रेम जीवन में आपके संबंधों में मधुरता बनाए रखेगा। हालांकि आपके आपस में अहंकार का टकराव हो सकता है, तो यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जितना हो सके छोटी मोटी बातों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो, इसके लिए अपनी वाणी में आप मधुरता बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रंग अगस्त के महीने में लाल है और भाग्यशाली नंबर आपके लिए 3 और 5 है। सिंह राशि वालों, इस अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए राशि धातु तांबा और सोना है और भाग्यशाली रत्न सिंह राशि वालों के लिए मूंगा है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार का दिन आपके लिए अति उत्तम है। इस दिन आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त देखकर आप शुरू कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन सा उपाय अगस्त के महीने में आप करें, जिससे कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिले और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ता रहे। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले आप श्रावण के महीने में, श्रावण के प्रत्येक सोमवार को आप भगवान शिव की पूजा मंदिर में जाकर जरूर करें। आप भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र, दूध दही आप जरूर चढ़ाएं। भांग, धतूरा, भस्म, अकवन का फूल, मध जरूर चढ़ाएं और 108 बार आप ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर करें। साथ में सिंह राशि वालों, आप रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में आप लाल पुष्प और रोली डालकर आप जल अर्पित जरूर करें, अर्घ दें और सूर्य के बीज मंत्र का आप जाप करें, तो इससे आपको लाभ होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा और आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं वह समाप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें लिखकर भेजेंगे और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, इससे आपको लाभ होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हरि।